अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की पत्नी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ गया। हुआ यूं कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीछे जिन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश की, उससे राजनीति गर्मा गई है। दरअसल पीछे शहीद अमर भगत सिंह और संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के तस्वीरों के बीचों बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई थी। अब इस पर राजनीतिक पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि इससे देश निर्माण में योगदान देने वाले महान देशभक्तों का अपमान हुआ है। मुझे बड़ा दुख और खेद है, आज सुनीता जी जब चिट्ठी पढ़ के सुना रहे थे अरविंद केजरीवाल जी की, वो जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे उसके पीछे जो फोटो लगी है शहीद भगत सिंह जी की, फोटो लगी है अम्बेडकर जी की, और उनके बीच में एक शराब के घोटाले में जिसका 10 साल तक दिल्ली को लूटने का काम किया, बस घोटाला किया, बिजली घोटाला किया, जल बोर्ड घोटाला किया, शराब घोटाला किया, ऐसे घोटाले कोर की जो कि आज तिहाड़ जेल में बंद है, उसकी जेल की फोटो वहां लगाई गई क्रांतिकारी लोगों के साथ। आप सोच के देखिए बाबा अम्बेडकर जी क्या सोचते होंगे, शहीद भगत सिंह क्या सोचते होंगे, ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों के साथ हमारी फोटो टांग दी। ये देश के लिए लड़ने वाले लोग थे और ये परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हुए, शराब घोटाला करते हुए जेल गए लोग हैं। सुनीता जी आपको ये पाप नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ा पाप किया है, और मैं कहना चाहता हूं जैसे अरविंद केजरीवाल जी को इस पाप की सजा मिली है, आपको ऐसा पाप दोहराना नहीं चाहिए। ये पाप का सजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जिनको बच्चों का शराब लगा है जिनकी जूती कस्में खाते थे, उन माताओं का शराब लगा है जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने नशा परोसा, इसलिए वो जेल गए हैं। और ऐसे जेल में आदमी की आप फोटो बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ लगाएं, शहीद भगत सिंह जी के साथ लगाएं, ये उनका बहुत बड़ा अपमान है, ये अपमान आपको नहीं करना चाहिए। वहीं इसका पलटवार करते हुए दिल्ली शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ केजरीवाल जी का संघर्ष किसी स्वतंत्रता आंदोलन से कम नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने झूठे आरोपों पर गिरफ्तार किया है। आज अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष के प्रतीक है। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की जो फोटो है, चाहे हमारा पार्टी ऑफिस हो चाहे हमारा कार्यालय हो, उनकी फोटो इस बात का प्रमाण है, इस बात को याद दिलाने के लिए है कि जो आज संघर्ष चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। एक समय ऐसा था जब देश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करते थे, आज एक समय ऐसा आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है, और वही अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। बता दें कि जब से सुनीता केजरीवाल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तब से ये मुद्दा चर्चा में आ चुका है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की तस्वीर में उन्हें जेल में भी दिखाने की कोशिश की गई है। जिसको जो समस्या हो।